तो कोरोना को हराना है तो सबको टीका लगवाना ही पड़ेगा, लेकिन दिल्ली के हालात बता रहे हैं कि सबको टीके का प्लान अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लंबी कतार है और लंबा इंतजार है। वैक्सीन लगाने की लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ती धज्जियां, यह टीकाकरण है या संक्रमण को न्योता? जब कोरोना कोहराम मचाने लगा, जब संक्रमण तमाम हदें पार करने लगा, तो दिल्ली वालों को टीके की अहमियत समझ में आई। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की लंबी लाइनें लगी, लेकिन सरकारी इंतजाम यहां भी धात के तीन पात साबित हुए। यहां स्थिति इतनी खराब है कि सोशल डिस्टेंसिंग और जिस प्रकार का इस समय समय चल रहा है खराब, कोरोना फैल रहा है, सेंटर्स बनाने चाहिए। ऐसे इलेक्शन के अंदर सभी स्कूल के अंदर सेंटर बनता है, उसी प्रकार से सभी सेंटर बनाने चाहिए जैसे केंद्र ने सभी सेंटर्स को बनाया था और बंद कर दिए गए। यहाँ पब्लिक शाम तक बाहर खड़ी रहेगी, स्कूल के अंदर एंट्री नहीं मिलती। बिल्कुल बहुत जरूरी है, मतलब कोरोना के डर से ज्यादा दिक्कत ये है कि हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी नहीं है, तो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराना है ताकि हम लोग सेफ हो सकें, क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो सिर्फ फैसिलिटीज मिल नहीं रही है, तो ये मेन रीजन है कराने का। मई की धूप, दिल्ली की गर्मी, कोरोना का खौफ और उस पर ये लंबी बात, इन तस्वीरों को देखकर आप भी समझ जाएंगे कि टीका लगाना यहाँ कितना जोखिम भरा काम है। टीके से सुरक्षा तो बाद में मिलेगी, पहले कोरोना की चपेट में आ जाने का खतरा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी चौड़ी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कृष्णा नगर की स्थिति है, आप ये देखिए तमाम जो लोग हैं सुबह 7 बजे से यहाँ पर सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं और लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से 77 सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन जो पहले सेंटर्स केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए थे उन सेंटर्स पर भीड़ नहीं है। ये वो सेंटर्स हैं जो दिल्ली सरकार ने बनाए हैं और यहाँ पर कतारें अगर इनको डिवाइड कर दिया जाए उन बाकी सेंटर्स पर तो भीड़ जो है वो कम हो सकती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए वो यहाँ पर पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सरकार लगातार ये बात कर रही थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर ना निकले, लेकिन स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। और अब पूर्वी दिल्ली के वेस्ट नगर इलाके का हाल दिखाते हैं, यहाँ मची अफरा तफरी आपको बता देंगे कि तैयारी कितनी अधूरी है। दिल्ली में कोविड की वजह से कतारों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले टेस्ट के लिए लोगों की कतारें लगती थी, फिर एडमिशन के लिए अस्पतालों में, और अब ये वैक्सीन की कतार है। आपको दिखाते हैं, आप बस हमारे साथ चलते चले जाइए और आप अंदाजा लगाते जाइए कि कितनी लंबी कतार है, कहां से कहां तक लोग वैक्सीन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इसकी लंबाई बस हमारे साथ गिनते आप चले जाएं कि किस तरीके से ये सुबह लगभग 9 बजे के से कुछ ज्यादा का वक्त हुआ है, लेकिन कतार लगती है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल सैकड़ों की तादाद में लोगों ने यहाँ पर कतारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है ताकि वैक्सीन बेशक अभी मिले ना मिले, लेकिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से करवाया और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सुबह में ये सुनिश्चित करने के लिए कि वैक्सीन लग भी जाए, ये हम लगभग सैकड़ों मीटर की ये लाइन होगी जो हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है। मैं अभी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है, अभी जैसे ही वैक्सीन आती है तो आपको बताएंगे, अभी आपको एक दो दिन बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, तैयारियां सारी हैं पर वैक्सीन होना जरूरी है। सवाल है, इतने ढीले ढाले तरीके से टीकाकरण शुरू कराने से सरकारें कौन सा मकसद हासिल कर लेंगी? सुशांत मेहरा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली में वैक्सीन के लिए लंबी कतार लगी है, लोग कड़ी धूप में कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। सैकड़ों मीटर लंबी कतार में किस तरीके से हो रहा है वैक्सीन का इंतजार, कुमार कुणाल की ये रिपोर्ट देखिए। जैसे कतारों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, पहले टेस्ट के लिए लोगों की कतारें लगती थी, फिर एडमिशन के लिए अस्पतालों में, और अब ये वैक्सीन की कतार है। आपको दिखाते हैं, आप बस हमारे साथ चलते चले जाइए और आप अंदाजा लगाते जाइए कि कितनी लंबी कतार है, कहां से कहां तक लोग वैक्सीन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इसकी लंबाई बस हमारे साथ गिनते आप चले जाएं, लेकिन कतार लगती है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल सैकड़ों की तादाद में लोगों ने यहाँ पर कतारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है ताकि वैक्सीन बेशक अभी मिले ना मिले, लेकिन
लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से करवाया और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ सुबह में ये सुनिश्चित करने के लिए कि वैक्सीन लग भी जाए, ये हम लगभग सैकड़ों मीटर की ये लाइन होगी जो हम आपको दिखा रहे हैं। दिखाने का मकसद यही है कि आखिरकार किस तरीके से लोगों में उत्साह भी है, लोग ये भी चाहते हैं कि ये जो दूसरी वेव आई है कोरोना की, उससे न सिर्फ आगे बढ़ा जाए बल्कि अपने आप को जो सुरक्षित है वो भी किया जाए वैक्सीन लगवा करके। तो ये कतार न तो खत्म होने का नाम ले रही है, बढ़ती ही जा रही है और लोग सुबह सुबह 7 बजे से भी पहले से आकर के लाइन में खड़े हो गए हैं ताकि उनकी बारी जब भी आए उन्हें वैक्सीन जरूर लग जाए। तो हम आपको इस कतार के साथ साथ ले चल रहे हैं, देखते चले जाइए कि कहां तक ये कतार चलेगी। जहां तक चलेगी हम उसके साथ चलेंगे। तो ये सैकड़ों लोगों की कतार है जो कि वेस्ट विनोद नगर, ईस्ट दिल्ली का इलाका है, पूर्वी दिल्ली का इलाका है, वहां पर सुबह से लोगों ने अपनी उपस्थिति न सिर्फ दर्ज कराई है बल्कि धूप में भी खड़े होकर के कोशिश कर रहे हैं कि आज वैक्सीन लेकर के ही यहां से जाएंगे। वहीं मुंबई की बात करेंगे जहां पर 18